हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज बीजेपी युवा नेता नरेंद्र मुआना ने सफीदों के नहर पुल से एक यात्रा शुरू की, जिसका नाम नरेंद्र विकास सहयोग आंदोलन रखा गया, जो 23 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगी। यात्रा सफीदों से शुरू होकर मुख्यमंत्री निवास पर समापन करेगी और मुख्यमंत्री को सफीदों के विकास और प्रदेश स्तर पर जनहित के मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन भी नरेंद्र मुआना के द्वारा सौंपा जाएगा। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज का कार्यक्रम, मेरे गांव से मौजूद लोग आए थे, दो सरपंच आए थे, एक पूर्व सरपंच थे, एक मौजूदा सरपंच थे और 12-15 लोग मौजूद आदमी थे। मेरे को तिलक करके मेरी यहाँ से उन्होंने पूजा पाठ के साथ मेरी यात्रा शुरू करवा दी और इस यात्रा के साथ हम जो है सफीदों सर्पदमन की ऐतिहासिक धरती से नंगे पांव में यात्रा कर करके 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी निवास पे मुख्यमंत्री जी को मिलूँगा और यहाँ नाग क्षेत्र का जल और एक मुख्य ज्ञापन जिसमें मुख्य मांगे जो हैं सफीदों को जिला बनवाने आदि लोकल मांगे और कुछ प्रदेश स्तरीय मांगे हमारी रहेंगी, उसमें हम मुख्यमंत्री जी को वो ज्ञापन भी सौंपेंगे। और ये मेरी यात्रा का शुभारंभ जो मैंने आज किया है, इसे नरेंद्र मुआना क्षेत्र विकास सहयोग आंदोलन इसका नाम रखा है। ये सहयोग आंदोलन है, मतलब पॉजिटिव आंदोलन है, ऐसा इसी के साथ हमने यहाँ की आज यात्रा का शुभारंभ किया है। कोई डर कोई शंका कोई क्या चुनौतियाँ लगती है? कोई डर कोई शंका नहीं है, एक डर एक शंका जरूर बनी रहती है कि जो मांगे हैं, ये हमने 14-15 मांगे जो इस ज्ञापन में रखी हैं, इनमें से ज़्यादा कितनी मांग हमारे द्वारा मान ली जाएंगी। हमारी इस तपस्या से प्रभावित होकर के अगर सरकार हमारी ये मांगे मान ले, सफीदों के विकास और हरियाणा के विकास जनहित के बारे में अगर कुछ मांगे हमारी मान ली जाती हैं, तो ये शंका और डर जरूर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांगे मान ली जाएँ। तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी आपको टाइम देंगे? मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे? अगर मुख्यमंत्री जी टाइम नहीं देंगे तो हम समय का इंतज़ार करेंगे, जब हम हमें टाइम देंगे तब हम उनको मिलेंगे। स्थानीय नेताओं के बारे में आप कह रहे हो कि विकास नहीं हो पाया, स्थानीय ऐसे क्या पांच आपकी मुख्य मांगे, आप पांच मुख्य मांगे बताओ जो आपके ज्ञापन में है। पांच मुख्य मांगों में एक मुख्य मांग जो है ना जिला बनवाने की है सफीदों को, नंबर दो जो है ना किसानों के द्वारा पानी को रिचार्ज करने के लिए सुन लेना जी, फोन लोकेशन बता देना जो है ना जी, पानी को रिचार्ज करने के लिए किसानों को जो है सहयोग के लिए सहयोग राशि दी जाए, ताकि वो बोर लगा के जिनके गहरे खेत हैं डूंगे खेत हैं उनमें पानी जो बरसात का इकट्ठा होता है वो पानी नीचे जा सके, इस प्रकार की दूसरी मुख्य मांग। तीसरी मुख्य मांग है वृद्धा बुजुर्ग पेंशन जो है वृद्धा पेंशन योजना के तहत 2000 से बढ़ा करके 2500 कर दी जाए। नंबर तीन मुख्य मांग में जो है सफीदों को असंध तहसील को मिला करके सफीदों को जिला बनाया जाए। नंबर चार मुआना को तहसील का दर्जा दिया जाए। नंबर पाँच यहाँ जो विकास की कमी रही, जैसा कि मैंने बताया कि गर्ल्स कॉलेज के सामने रास्ते की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, हल्की सी बारिश में भी वहाँ पे 2-2 फुट पानी भर जाता है, इस तरह ये जो रास्ते हमारे ख़राब पड़े हैं, जिसमें आपने एक सवाल किया था कि स्थानीय नेताओं की ढील रही विकास करवाने में, उस ढील का हमें एक्स्ट्रा हमारे को जो है ना जी कुछ बजट हमारे सफीदों के नाम का मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाए, ताकि हमारे सफीदों में विकास की गंगा पहले से ज़्यादा बहे। जो आज यात्रा का पहला दिन है और आज जो है उनको तिलक लगा के यहाँ से यात्रा जो है शुरू करी गई है और नरेंद्र मुआना क्षेत्र विकास सहयोग आंदोलन आज जो है शुरू हो रहा है और 23 तारीख यानी आज के दिन यहाँ से सफीदों से जो है यात्रा शुरू हुई है, आंदोलन शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री को जो है 28 तारीख को ये ज्ञापन सौंपेंगे सफीदों और प्रदेश की समस्याओं को लेकर। लगातार तेज खबरों के साथ देखते रहिए और जुड़े रहिए खबर तल का। हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।